हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की यह वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है 2024 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो 2024 में अपना पेपर देंगे, अपना बोर्ड परीक्षा देंगे। तो देखो, जो 50 टॉपिक आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, 100% उन्हीं में से आएगा। 70 में 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। देखो, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, आपकी बुक में ऐसे काफी सारे टॉपिक रहते हैं जिनको आप पढ़कर आसानी से 90 अबव ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 90 अबव आप आसानी से ला सकते हो। आपको ना विश्वास हो तो इसके पुराने वीडियोज आप देखिएगा जो मैंने 2023 के लिए बनाई थी, उसमें भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए थे और जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए, 90, 95, 96, 97 बहुत अच्छे। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक टॉपिक बताते चलते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको क्लियर करना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और उससे पहले आपको एक चीज ये बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर कर देना, ताकि जितने भी सारे हैं सभी लोग आ जाए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाए। देखो, सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। देखो, ये जो हमारा पहला टॉपिक है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, यह बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूंगा आप एक नोट लेके बैठो, एक कॉपी लेके बैठो, जो जो यहां पर मैं आपको बताते चला हूं पूरा आप नोट करते चलो अच्छे से, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल हो जाए। चलो इसके बाद देखते हैं, सेकंड है रासायनिक समीकरण संतुलन। देखो, जो रासायनिक समीकरण संतुलन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आपने देखा होगा रासायनिक समीकरण होता है, उसको संतुलित करना ये है। फिर है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जो अभिक्रियाएं होती हैं, एक ऊष्मा क्षेपी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो, ठीक। फिर आते चौथा नंबर जो कि है अम्ल क्षार तथा लवण, परिभाषा एवं उदाहरण सहित। देखो, जो अम्ल क्षार तथा लवण जो चैप्टर जो पार्ट है उसमें देखो वो वाला है, और इसकी परिभाषा और उदाहरण दोनों को साथ में आपको लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा पांचवा धावन सोडा बनाने की विधि। अब यहां पर एक चीज आपको बता दूं, जो बनाने की विधि है और इनके उपयोग, ये आप सभी तैयार कर लेना, 4 से 5 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड परीक्षा में आपके पास आते हैं, 4 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए, ठीक। देखो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये आप याद कर लेना, और एक है विरंजक चूर्ण, उसको भी याद कर लेना। तो आप ये देखोगे कि इन्हीं में से आपके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है आठवां नंबर, आठवां नंबर क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया आठवां नंबर क्या है आपका, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये आपको देखना है। फिर चलो हम बढ़ते हैं नौवें पे, हमारा जो नौवां है धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल। अब ये क्या है, देखो धातु और अधातु की आपको पहले तो परिभाषा लिखनी है और इसके कुछ उदाहरण तैयार करने हैं, नहीं तो ऐसे आ सकता है कि धातु एवं अधातु में अंतर बताइए, इसी प्रकार से ऐसे कुछ आएगा तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हमारा दसवां नंबर, विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है ये आपको लिखना है, विद्युत रासायनिक श्रेणियां। फिर उसके बाद आते हैं 11 नंबर पे, 11 नंबर है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये आपको लिखना है 11 नंबर पर। और आपको एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से क्या होगा कि और लोगों के पास यह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे, आप लाइक कर दिया करो ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छी वीडियोस दे पाऊंगा। इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 1000 लाइक, इस वीडियो का लाइक एम क्या है 1K लाइक, मतलब 1K लाइक, 1000 लाइक एम है, 1000 लाइक टारगेट है इस वीडियो का, देखते हैं आप लोग करा पाते हो कि नहीं। इसके बाद है 12 नंबर सजातीय श्रेणी, जो सजातीय श्रेणियां क्या होती हैं। फिर है 13 नंबर हमारा टॉपिक साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है 13 नंबर, ठीक है। इसके बाद आते हैं 14 नंबर पे जो कि हमारा IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण आप जानते होंगे, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे ही मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस प्रकार से कुछ। अब उसके बाद आता है 15 नंबर, 15 नंबर क्या हमारा एस्टरीकरण अभिक्रिया, कौन सा है एस्टरीकरण अभिक्रिया, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 15 नंबर।
इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा है 17 नंबर। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और ये सारे अब बायोलॉजी के टॉपिक है, तो देख सकते हो जैसे है उत्सर्जन तंत्र। अब यहां पर ये नाम आपको छोटा लग रहा है लेकिन ये जो इसकी परिभाषा वगैरह है ये काफी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए कह रहा हूं आप अच्छे से, अभी बहुत टाइम है, आप धीरे धीरे करके दिन में 2-3 टॉपिक आप तैयार करते चलना, और जो भी टॉपिक आप तैयार करना अपने कॉपी में, अपने बुक में, अपने जो भी जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे एक बार टिक लगा देना कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, ताकि उसके बाद आपको सिर्फ वो चीज रिवीजन करनी रहे, सिर्फ रिवीजन करने बचेगा। अब देखते हैं 17 नंबर है श्वसन तंत्र, 18 नंबर है पाचन तंत्र, 19 नंबर है लैंगिक जनन, 20 नंबर अलैंगिक जनन। देखो ये जो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन है इसमें क्या होगा, आपसे डिफरेंस पूछ लेगा कि अच्छा बताइए लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस प्रकार से करके आपसे पूछ लेगा, तो आपको ये बताना रहेगा। और इन सभी का अगर आपको आंसर किसी का भी नहीं पता तो टेंशन ना लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब की रहिए, मैं इनके आंसर भी जल्द ही लाने वाला हूं। जैसे ही आप 1000 लाइक कंप्लीट कर दोगे तो आप तुरंत कमेंट कर देना कि भैया हमने 1000 लाइक कंप्लीट कर दी है, आप इसका आंसर लाइए तो मैं लेकर आ जाऊंगा। 1000 लाइक होगा कैसे, जितने लोग देख रहे हैं बस सब लोग 1-1 लाइक कर दो, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन जो कि परागण, परागण क्या होते हैं, ये इस प्रकार से परागण जो टॉपिक है पूरा आपके एक आध पेज का रहेगा, आप इसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, देखो जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है नर तथा मादा जनन तंत्र, नर तथा मादा जनन तंत्र। अब इसमें क्या क्या चीज आ सकती है आप समझिए, इसमें जैसे आ जाएगा फिगर बनाने के लिए आ सकता है, अच्छा उसके बाद क्या आ जाएगा डिफरेंस कुछ आ सकता है, और एक चीज परिभाषा आ सकती है जो कि ये आएगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, मतलब 7 नंबर के लिए आएगा टोटल। उसके बाद देखो 23 नंबर जो क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये क्वेश्चन मतलब समझ लो जितना मोस्ट आप कह सकते हो उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और आप इसको देखोगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, आप चाहे जो क्वेश्चन बैंक में जाके देख लेना वही आपको मिलेगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन जो कि है पुष्प की संरचना, अब देखो पुष्प की संरचना में उसका फिगर आ सकता है, कैसे रहती है पुष्प की संरचना, ये सारी चीजें आ जाएंगी और इसके बारे में परिभाषा वगैरह पूछ लिया जाएगा इसके बारे में लिखने का, तो वो आप करना। बहुत ज्यादा ये जितने भी मैं आपके 50 टॉपिक लिखा हूं टोटल 50 के 500 टॉपिक 100% इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है 25 नंबर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, 25 नंबर क्वेश्चन है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी तैयार करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेंडल की अनुवांशिकता के नियम, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ये जानना भी चाहिए। आप जब पढ़ोगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे जो संकरण वगैरह होता है तो इसमें आपको ये सारी चीज देखने को मिलेगी और आपका इंटरेस्ट भी इसमें लगेगा। हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा लेकिन इंटरेस्ट आपका इसमें अच्छा होगा। अब उसकी बात आते हैं 27 नंबर एक संकर तथा द्वि संकर संकरण, एक संकर तथा द्वि संकर संकरण जो कि हमारा 27 नंबर का। अब इसके बाद है 28 नंबर प्रकाश का परावर्तन, देखो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन परावर्तन, अपवर्तन भी मैंने नहीं लिखा शायद आगे लिखा होगा, तो देखो जो प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश का अपवर्तन है ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है लेकिन आपके 10th में बहुत छोटा सा रहता है, तो आप इसको तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अब 29 नंबर जो क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क, देखो मानव मस्तिष्क ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक प्रकार से कह सकते हो एक टॉपिक है, मतलब इसमें मानव के मस्तिष्क के बारे में आपको बताना है, अग्र मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क ठीक, इसके कितने भाग होते हैं उन सभी की परिभाषा, और एक चीज हो सके तो आ जाए कि फिगर आपको बनाने का कि चित्र भी बनाइए, तो ऐसे कुछ आ जाएगा। खैर अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर, देखो 30 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है तंत्रिका तंत्र, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है तंत्रिका तंत्र के बारे में लिखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब है तो ये आपको बनाना है, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आपको लिखना है क्या कैसे होगा। इसके बाद देखो जो जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको मानव मस्तिष्क टॉपिक बता दिया तो इसके अंतर्गत परिभाषा आ गई और इसकी संरचना आ गई, ठीक है इस तरीके से आपको करना है। तो 31 नंबर ही मैंने बता दिया अवतल उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब। अब चलो आगे बढ़ते हैं, देखो जो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन,
ये जो प्रकाश का अपवर्तन यह जो टॉपिक है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन, तो उसी के बाद है ये प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको बता रहा हूं सब आपके एक कॉपी में नोट होने चाहिए, आप नोट कर लेना। अच्छा, मैं देखूंगा भी आपके, अगर आप इंस्टा चलाते हो तो मेरे पास सेंड कर देना, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप जान लो पीयूष मौर्य 1001। ठीक है, पीयूष मौर्य 1001 आप उस पे सेंड कर देना, मैं देख लूंगा। ना करना तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कमेंट में ही बता सकते हो, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं कि आप जाओ करो, बाकी हाँ अगर मन हो तो कर देना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है लेंस की क्षमता पी, आपको बताना है जो लेंस की क्षमता होती है, पावर ऑफ ए लेंस। अब इसके बाद बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष। अच्छा, ये दोनों जो टॉपिक हैं, ये दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष। अब देखो क्या होता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें हमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो आप कहोगे अच्छा इसको निकट क्यों कहते हैं, जब हमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तब तो हमें इसको दूर दृष्टि दोष कहना चाहिए। लेकिन आप डायरेक्ट एक चीज ये समझ लो कि उल्टा रहता है, बस उल्टा रहता है, तो आपके सामने आ जाएगा निकट दृष्टि दोष। तो आप लिख दोगे कि जिसमें हमें निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं हमें अस्पष्ट नहीं दिखाई देती, हम उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और वहीं पर दूर दृष्टि दोष को क्या लिखोगे, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें हमें दूर की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं अस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो अब चलो 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम। अब ये जो ओम का नियम है इसमें क्या रहेगा, ओम के नियम में इसकी परिभाषा रहेगी, ओम के नियम में क्या रहेगी इसकी परिभाषा रहेगी और इसका एक कह सकते पूरा अच्छे तरीके से आपका जैसे परिभाषा हो गई, फॉर्मूला हो गए, तो ये सारी चीजें रहेंगी। खैर इन सबको मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी क्या है मैं टॉपिक बता दे रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक है, आप पढ़ते रहो, बाकी एक एक टॉपिक मैं आपका पूरा क्लियर कराते चलूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें भी पता लग सके कि हाँ आप भी चाहते हो कि मैं इन सभी को क्लियर करवाऊं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी, ये है। फिर है मानव नेत्र में क्या क्या सकता है, आ जाएगा कि मानव नेत्र की परिभाषा लिखिए, तो आप मानव नेत्र की परिभाषा लिखोगे, या फिर अगर आ गया कि मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए तो आप मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाओगे, और उसके बाद आ जाएगा कि मानव नेत्र के प्रकार लिखिए तथा इनकी परिभाषा भी लिखिए, तो क्या करोगे मानव नेत्र के आप प्रकार लिखोगे और इनकी परिभाषा भी लिखोगे। फिर आते हैं 40 नंबर पे, 40 नंबर जो टॉपिक है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध जो रो होता है ये हमें लिखना है। प्रतिरोध तो अलग हो गया लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध यह अलग होता है, इसके बारे में भी आपको जानना है। हर टॉपिक आपका एक एक टॉपिक, साइंस का ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो मैं आपको ना क्लियर करवाऊं, बस ये सारे टॉपिक मैं बता दे रहा हूं ताकि आप पहले से भी कुछ क्लियर कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन आपको ही पता है। जैसे देखो क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कैसे रहता है, ये आपका हो गया सीधे सीधे से जो रहता है ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और समांतर क्रम कैसे होता है, जैसे मान लो ऐसे हो गया, ठीक है ये पैरेलल, मतलब एक दूसरे के समांतर रहता है, श्रेणी मतलब सीधी रहती है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो, बाकी जब अच्छे से आपको समझाऊंगा तो आप काफी अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे, जिसके लिए कि यार देखो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो तो आपको मिल जाएगा। फिर आता है हमारा 43 नंबर चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है चुंबकीय बल रेखाएं, ये भी जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है 44 नंबर बायो सेवर्ट का नियम। अच्छा ये जो नियम है ये सारे, जैसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के ये लिखाई हूं, तो देखो जैसे बायो सेवर्ट का नियम ये आप तैयार कर लेना। फिर हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इन सभी नियमों को अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेना। अब हमारे पास ये 5 टॉपिक और बचे हैं, जैसे कि
विद्युत मोटर। अब यहां पर बता दूं 100% लिख के ले रहा हूं, इनमें से एक क्वेश्चन 101% है, आना ही आना है। जैसे विद्युत मोटर हो गया, विद्युत जनित हो गया, इन दोनों में से कोई ना कोई एक दृष्ट धारा जनित, इनमें से कोई ना कोई एक 100% है, आना आना। अब इसमें क्या आएगा मैं आपको बताता हूं, ये आएगा आपके टोटली 7 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 7 मार्क के लिए। इसमें क्या क्या पूछेगा? इसमें पूछेगा, इसका पहले तो चित्र पूछ लेगा, फिगर पूछ लेगा, और देखो क्या पूछेगा, और पूछेगा इसकी संरचना वही हो गया, इनके जो पार्ट होते हैं, इनके पार्ट कौन कौन से होते हैं विद्युत मोटर के, आर्मेचर हो गया, वलय हो गया, ब्रश हो गया, ये सब चीजें पूछता है। और इसको मैं विधिवत एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसका पूरा विद्युत मोटर विद्युत जनित आपको पढ़ा दूंगा, जिसके बाद आपका 7 नंबर तो वही कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इतना आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर तो 100% है, आएगा ही नहीं, ठीक है, जो कि विद्युत मोटर विद्युत जनित। अब चलो बढ़ते हैं 48 नंबर, फैराडे का नियम। ये जो फैराडे का नियम है यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको भी तैयार कर लेना। 49 नंबर है ओजोन परत का क्षय, 50 नंबर है ऊर्जा का स्रोत। अब समझो आप, एक मिनट ज्यादा टाइम आप निकालो, देखो आपका बोर्ड एग्जाम अभी काफी टाइम है, 2024 के फरवरी में लगभग होगा, तब तक क्या करो इन सारे टॉपिक को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। और एक चीज बताता हूँ, अगर आप इनके सॉल्यूशन भी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमें कमेंट में भी जरूर से बताना कि भैया हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तभी देखो तभी हमें पता लगेगा कि हाँ इसका सॉल्यूशन चाहिए, अगर आप कमेंट करोगे तब पता लगेगा। अब ऐसे सोचो कि आप वीडियो छोड़ दोगे, वीडियो देखकर छोड़ दोगे तो हमें नहीं पता लग पाएगा, इसलिए आप लोग बताना, वीडियो को 1000 लाइक तक आप लोग पहुंचा देना, ताकि मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, इसी तरीके से और वीडियो बनाई जाए जिससे आपकी हेल्प हो सके। एक चीज आप जरूर से करना कि ये बताना कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत आती है, और सभी लोग अपना परसेंटेज गोल लिख देना कि भैया हमारा अच्छा 70% गोल है, हम 70% लाना चाहते हैं, नहीं हम 80% लाना चाहते हैं, नहीं हम 90, नहीं हम टॉपर बनना चाहते हैं। और उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर कि कैसे आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने में पढ़कर बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो आपको कुछ स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा जिनकी मदद से आप बहुत अच्छे से बोर्ड परीक्षा में कर पाओगे। बाकी यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलेंगे आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।